अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ वेजिटेबल जलफ्रेजी। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है ये, तो रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। मैं एक बर्तन ले लिया मैंने, उसमें मैंने 2 चम्मच तेल के डाल लिए, 1 चम्मच मक्खन, साबुत ज़ीरा 1 चम्मच, जीरे को भून लें, 3 से 4 सेकंड के लिए भून लें जीरे को। 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, इसको भी भून लें। 1/2 साइज की प्याज बारीक बारीक काट लें, इसको भी भून लें। 2 से 3 मिनट के लिए इसको भून लें। प्याज को मैंने भून लिया, अब इसमें टमाटर की प्योरी डालेंगे 1 कप। टमाटो केचप 2 बड़े चम्मच, हरी मिर्चें 3 से 4, दरमियान में से कट लगा लें इसको। धनिया पाउडर 1 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1/2 चम्मच, अगर आप ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं तो ज़्यादा डाल सकते हैं। नमक हसबे ज़ायका, काली मिर्च 1/2 चम्मच, हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच, पेपरिका पाउडर 1 चम्मच। अब इन सभी चीज़ों को मिक्स कर लें। गाजर और आलू, ये मैंने बहुत ज़्यादा उबाले नहीं है, थोड़े थोड़े इनको उबाल लिए मैंने। इनको मैंने मिक्स कर लिया, अब इनको 4 से 5 मिनट के लिए कवर करके हल्की आंच पे रख दें। अब ढक्कन को साइड पे कर लें। एक टमाटर बिल्कुल छोटे छोटे पीस करके इसको काट लें, और 1 शिमला मिर्च, इनको मिक्स करें। तीन से चार मिनट के लिए इनको फिर पकाएं। 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, अब इसमें कसूरी मेथी, चूल्हे को बंद कर लें, और हरा धनिया, इसको प्लेटर में सर्व कर लें। इसको मैंने प्लेटर में सर्व कर लिया है। वेजिटेबल जलफ्रेजी हो चुकी है तैयार। बहुत ही मज़े की बनती है ये, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मुझे कमेंट करके बताएं। मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।